जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि सुशांत की डेथ केस सीबीआई को सौंप दी गई है। तो अभी सीबीआई अपनी जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। बहुत सारी चीज़ें सामने खुल के आई हैं जो चीज़ अभी तक छुपी हुई थी, और सीबीआई अपनी जी जान लगा रही है कि सुशांत की डेथ के पीछे छुपी सच्चाई को हम तक लाने के लिए। सीबीआई ने हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ला के खड़ी कर दी है जो अभी तक छुपी हुई थी, जिन्हें दबाया जा रहा था, जिस चीज़ को छुपाया जा रहा था, वो सारी चीज़ें सीबीआई हमारे थम तक लेके आ रही है धीरे धीरे। वेनसडे को, हाँ जी हाँ, आई थिंक फिफ्थ डे ऑफ सीबीआई इंक्वायरी, उस दिन क्या हुआ था, हमारे जो कूपर हॉस्पिटल है वहाँ पर सीबीआई हमारी टीम पहुँची हुई थी। वहाँ पर जाके, कूपर हॉस्पिटल में जाके हमारी सीबीआई टीम ने पूरे हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी है, उसके बाद हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सभी से इंक्वायरी की, सभी को ग्रिल किया। और वहाँ के जितने भी फुटेज थे ना, सीसीटीवी फुटेज, उनको अपने साथ लेके गई है। सुशांत सर के आने से लेके उनके जाने तक के बीच में, विद इन जो टाइम था, उसके बीच में क्या क्या हुआ, कौन आया, रिया किसके साथ आई, कौन कौन वहाँ पर मौजूद था, कौन कितने बजे आया, किसको लेके आया, सब चीज़ वो इंक्वायरी करेंगी इस चीज़ के लिए। इसलिए वो वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज है वो अपने साथ लेके गई है। और वहाँ पे वो चौथी बार है ये जब सीबीआई वहाँ पे कूपर हॉस्पिटल में पहुँची पूछताछ के लिए। मुझे तो दया आ रही है कूपर हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन पर, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था इतना कुछ हो जाएगा, फुटेज चेक करनी होगी, इतने जाँच पड़ताल होगा, सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, उन्हें तो पता ही नहीं था। तो बेचारे डॉक्टर, अब तो आप फंस गए, आपके साथ साथ जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए थे सभी फंसोगे, वन बाय वन सभी फंसोगे। अब ब्रेक करो कि कौन आपको बचाएगा। आ गई है मुसीबत आप पर, जिस चीज़ से आप लोग भाग रहे थे ना, इतने गुने किए हैं ना आप लोगों ने। और कूपर हॉस्पिटल की मैं बात करूँगी, कूपर हॉस्पिटल इसके बारे में तो क्या कहना है। जितने भी आज तक बॉलीवुड में जितने भी सुसाइड हुए, जो भी केसेस हुए, सभी को ये लेके जाते हैं कूपर हॉस्पिटल में। चाहे जितने भी आप लोग रिकॉर्ड देख लो, जितने भी आज तक डेथ हुई है, ये लोग कहाँ लेके जाते हैं, कूपर हॉस्पिटल में। कूपर हॉस्पिटल में तो ये लोग ने खरीद रखा है ना, तो ये लोग अपने मर्जी से वहाँ पे काम करवा पाते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो चाहे ये लोग करवा पाते हैं। तो कूपर हॉस्पिटल इनका अपना घर है, हॉस्पिटल ही इनका अपना घर है, इनकी मर्जी चलती है वहाँ पे। और बस यही नहीं, सीबीआई जो है हमारा, सीबीआई ने मुंबई पुलिस के ऊपर भी आरोप, बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं, और उनको भी ला के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनसे यही सवाल किया है कि इस केस के जितने भी सबूत थे उनको सुरक्षित नहीं रखा गया, उनको सेफ रखा नहीं गया। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के ऊपर 5 और आरोप लगाए हैं। जी हाँ, 5 आरोप लगाए हैं मुंबई पुलिस के ऊपर। तो पहला आरोप ये था कि क्राइम सीन को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जो कि मुंबई पुलिस ने किया भी है। सेकेंड आरोप जो सीबीआई ने मुंबई पुलिस के ऊपर लगाई है वो है कि सुशांत सर के जो डेथ बॉडी है उनके साथ बहुत ही बुरी तरह भेदभाव हुआ, बहुत ही बैडली ट्रीट हुआ। तो तीसरा आरोप ये था जो सीबीआई ने मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप लगाई है, वो ये है कि अनजान लोगों को घर और मोर्चरी में आने की परमिशन दिया। चौथा आरोप ये है कि जो डेथ केस के जितने भी सबूतों है उनको अच्छे से इकट्ठा नहीं किया। और पांचवा आरोप जो सीबीआई ने मुंबई पुलिस पर लगाई है वो ये है कि जिस घर में उनकी डेथ हुई उस घर को अब सील नहीं किया गया। उन्होंने, उनका सबसे पहला काम यही बनता है कि वो जाके उस रूम को सील करें पूरी तरह से, उसके घर को ही, रूम को ही नहीं, पूरे घर को ही सील करना चाहिए था। बट नहीं, मुंबई पुलिस ने ये नहीं किया, उन्होंने तो उसको जू बना दिया कि कोई भी आता है, कभी भी घूम के चला जाता है। पांचों आरोप सही है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि कुछ भी उन्होंने ढंग से नहीं किया, ना वो सबूतों को सेव रख पाए, ना वो सबूत ढंग से इकट्ठा कर पाए। जो उनके सामने सबूत थे वो भी इग्नोर करते थे, जैसे कि उन्हें कुछ दिख ही नहीं, अंधे हो गए मुंबई पुलिस। आखिर किसके कहने पे मुंबई पुलिस इस केस को दबा रही थी, किसके कहने पे मुंबई पुलिस वाले रिया की इतनी खातिरदारी कर रहे थे, इतनी उसकी साथ दे रहे थे, क्या लगती है रिया आपको? और मुंबई पुलिस किसे खुश करने में लगी हुई है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, सारे सबूतों को तुम लोगों ने दबाना चाहा, हर एक चीज़ कोशिश किया, हर चीज़ वो किया तुम लोगों ने, जिससे तुम लोग सारे सबूतों को साफ कर सको, दबा सको। अब इस केस में एक ट्विस्ट आया है, नया ही ट्विस्ट आया है, जिसमें जो ट्विस्ट है ड्रग्स का। रिया के कुछ चैट रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उन्होंने कुछ ऐसे सप्लायर से बात की हुई है, चैट की हुई है, जिनके साथ उन्होंने
जो ड्रग्स वाले कोड वर्ड यूज़ करते हैं, कभी भी वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते, कोड वर्ड के द्वारा वो लोग ड्रग्स सप्लाई या ख़रीदना होता है या कुछ उसके सेलर से बात करना होता है तो वो लोग कोड वर्ड में बात करते हैं। तो रिया के जो चैट्स है उसमें कुछ कोड वर्ड मिले उनको जो एकदम डायरेक्ट जो कोड वर्ड हैं वो ड्रग्स के लिए ही यूज़ कर किए जाते हैं। तो अब ये चीज़ सामने आता है कि जो रिया है इसका ड्रग्स के साथ क्या कनेक्शन है, क्या ये कंज्यूमर है, ड्रग्स कंज्यूमर है, क्या ये ड्रग्स सेलर है, क्या ये सप्लायर के साथ मिली हुई है, या जो है ड्रग्स माफिया उनके साथ इनका कोई कनेक्शन है। ये चीज़ तो अभी भी सामने नहीं आई है, बस अभी तक यही हमारे सामने आया है कि रिया का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ड्रग्स वालों के साथ, ड्रग्स सप्लायर के साथ। जो चैट्स हैं वो तो यही बताते हैं कि रिया का ड्रग्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, बट एग्जैक्टली क्या है उसके ऊपर जांच चल रही है। बहुत जल्दी हमें ये पता चल जाएगा कि रिया का इन ड्रग्स के साथ, ड्रग्स सप्लायर के साथ क्या कनेक्शन है। जब से ये ड्रग्स वाली बात आई है सबके सामने, तो ये केस जो है पूरा केस ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया, एकदम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। दिन ब दिन जितने सबूतें सामने आ रही है उतनी ये केस कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। पता नहीं आगे क्या क्या और भी सबूतें हमारे सामने आएंगे और क्या क्या राज खुलने वाला है नहीं पता, बट अभी तो मेन मुद्दा है ड्रग्स का। जो ड्रग्स है उसके बारे में अचानक से ये किसी को पता नहीं था कि ये चीज़ भी सामने निकल के आएगी, बट हाँ अभी ड्रग्स के ऊपर जांच चल रही है। ये चीज़ें कितनी लंबी चौड़ी, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया सोच रहे हैं आप। पहले मुंबई पुलिस से शुरू हुई थी, फिर बिहार पुलिस गई, फिर ईडी गई, देन सीबीआई भी इसमें आई, उसके बाद साइकोलॉजिकल जो ऑटोप्सी की बात आई थी वो हुई, उसके बाद अभी एनसीबी एजेंसी भी इसमें शामिल हो गई। तो आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू होकर भी कहाँ तक पहुँच गई है, और कितना लंबा जाएगा और कितना दिन लगेंगे और कितना आगे तक जाएगा ये किसी को नहीं पता। बट ड्रग्स का जो मामला है वो एनसीबी कर रही है, और जो ईडी है, ईडी एजेंसी से वो कर रही है, सुशांत के जितने पैसे के लेन देन हुए थे, जितने भी हेरा फेरी है उसकी इंक्वायरी वो कर रही है ईडी वाले। और आपका जो सीबीआई है वो सुशांत के डेथ केस की पीछे छुपे सच्चाई को सामने लाने की पूरी जी जान लगा रही है। तो अभी फ़िलहाल बात करें तो तीन ही एजेंसी है इस केस पे, एक है ईडी, दूसरा है सीबीआई और तीसरा एनसीबी। अभी ये तीनों एजेंसीज जो है सेंट्रल एजेंसीज यही इस केस पे इन्वॉल्व है, और ये तीनों के पास पावर टू अरेस्ट है। मैं इतना ही दुआ करूँगी अब कि बहुत जल्दी ये सब केस सॉल्व हो जाए, ये सब चीज़ मतलब ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए सब कुछ, और जितने भी जो भी लोग इस केस के पीछे छुपे हुए हैं, जिनका भी इसमें हाथ हो, चाहे वो रिया हो, कोई भी हो, प्लीज़ उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि सुशांत सर को जस्टिस मिले, भले थोड़ा टाइम लगे इसमें, भले इस केस को सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, हाँ बहुत अभी दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं केस, तो इसको सॉल्व करने में ज़रूर टाइम लगेगा, बट हम लोग की उम्मीदें हैं वो कभी डाउन नहीं होंगे। मुझे पता है हम लोग ने उम्मीद लगाया है कि उनको जस्टिस मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि जीत, मुझे जितना पता है जीत हमेशा सच्चाई की होती है, भले हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बट जीत आखिर में उसी की होती है जो सच सच का साथ दे रहा है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी दुआ जारी रखिए, अपनी उम्मीदें मत खोइए, क्योंकि हम लोग एक है, साथ है, तभी इतना कुछ हो पाया है।